शनि देव की शुभता और राहु केतु की प्रसन्नता। दोस्तों, आज जो उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये उपाय आपको जब भी मौका मिले तब करें। साल में एक बार, साल में दो बार, जब भी मौका मिले तब आप ये उपाय करें। दोबारा बोलता हूं, शनि देव की कृपा और राहु केतु की प्रसन्नता आपके एक के ऊपर नहीं, आपके पूरे परिवार के ऊपर बनेगी। एक माँ का आशीर्वाद मिलेगा। ये उपाय आप कोई भी अवस्था में कर सकते हैं, कोई भी दिन कर सकते हैं, कोई भी समय कर सकते हैं। न कोई मंत्र बोलना है, न कोई पूजा करनी है, न कोई पाठ करना है। आप ये उपाय कर सकते हैं। शनि, राहु और केतु आपके बर्थ चार्ट में, आपकी जन्म कुंडली में, कोई भी भाव में है, कोई भी राशि में है, आपकी कोई भी राशि है वो नहीं देखना है। जब भी मौका मिले आप ये उपाय करके देखें। दोस्तों, एक दिन उपाय कर सकते हैं, दो दिन उपाय कर सकते हैं, तीन दिन उपाय कर सकते हैं। शायद ये उपाय आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मैंने तो अनेक लोगों को बताया है, मगर YouTube पर बहुत कम लोगों ने इसे उपाय शेयर किए होंगे। एक अच्छा कर्म करना है, माँ का आशीर्वाद लेना है, साथ में शनि, राहु और केतु की शुभता और प्रसन्नता आपको अवश्य प्राप्त होगी। वो बात का भरोसा मैं आपको देता हूँ। आप चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हैं, ऐसी जानकारी में रुचि रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाएं। छोटे से प्यारे से परिवार के साथ आप भी जुड़ जाए। पूरे परिवार की ओर से मैं, मुकेश जानी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम, परिवार के सदस्य बन जाए। वीडियो देखने के बाद छोटी रिक्वेस्ट, नम्र अर्ज, बिना भूले कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें। बिना जय श्री राम लिखे आप वीडियो बन नहीं करेंगे, चैनल छोड़कर नहीं जाएंगे। आधी सेकंड का काम है। लाइक करें, डिसलाइक करें, आपकी मर्जी की बात है। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आपको समस्या का समाधान चाहिए, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करें, एक दो दिन में जवाब आपको अवश्य मिलेगा। रिप्लाई अवश्य करता हूँ। सिर्फ मैसेज करके रख दे, कॉल ना करे, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा, सिर्फ मैसेज करके रख दे। आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, वो समस्या का समाधान मैसेज के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। छोटी मामूली फी पे करनी पड़ेगी। पहले निःशुल्क कर रहा था, मजबूरन मुझे फी रखनी पड़ी है। फालतू के कॉल, फालतू के मैसेज प्लीज मुझे ना करें। नंबर नोट कर लो, 8732985130, 8732985130। एक सावधानी रखें, अगर कोई कमेंट में मेरी फोटो लगाकर नंबर शेयर करते हैं तो वो नंबर पर प्लीज़ आप कांटेक्ट ना करें। वो नंबर मेरा नहीं है, मैं कभी कमेंट में मेरा नंबर शेयर नहीं करता हूँ। वीडियो में बोल के जो नंबर देता हूँ वही नंबर मेरा है। वैसे तो मेरी नज़र में आता है तो मैं तुरंत रिमूव कर देता हूँ, मगर कोई कोई वीडियो में रह जाता है, तो प्लीज़ वो नंबर पर आप कांटेक्ट ना करें। दोस्तों, आपके घर के पास, अगल बगल में
सिटी में कोई भी जगह, घर से 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, कोई भी जगह, अगर आपको कोई ऐसी कुत्ती दिखाई दे जो गली मोहल्ले में भटकते घूमते हैं, भटकते हुए कुत्ते, ऐसी कुत्ती दिखाई दे कि जो कुत्ती ने पिल्ले को जन्म दिया है, अभी 1-2 दिन पहले ही पिल्ले को जन्म दिया है जो कुत्ती ने, दोस्तों जब कुत्ती पिल्ले को जन्म देती है तब वो पिल्ले को छोड़कर दूर नहीं जाती है, कहीं नहीं जाती है, भूखी प्यासी बैठी रहती है, पिल्ले पेट भरते रहते हैं, कुत्ती भूखी प्यासी पिल्ले के पास ही बैठी रहती है। एक छोटा काम करें, जब भी मौका मिले एक छोटा काम करें, वो जितने दिन कर सकते हैं आप ये उपाय करके देखें, आपके घर से एक बाजरे की रोटी बनाकर ले जाए, घर में एक बाजरे की रोटी बनाए, बाजरे की रोटी को मसल दे, थोड़ा गुड़ मिला दे, गुड़ कमेंट में पूछेंगे गुड़ मतलब गुड़ जो हम रसोई घर में खाते हैं वो वाला गुड़, थोड़ा गुड़ मिला दे बाजरे की रोटी को मसल कर, थोड़ा गुड़ मिला दे, एक छोटी पेपर डिश ले जाए, पेपर डिश में ये दोनों चीज रख दे, जहां कुत्ती ने पिल्ले को जन्म दिया है वहां थोड़ी सावधानी रखे, थोड़ा दूर वो पेपर डिश रखकर घर वापस आ जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितने दिन भी आप ये काम कर सकते हैं अवश्य करें, कोई बात की पाबंदी नहीं है। दोबारा बोलता हूँ, कोई भी दिन कोई भी समय और कोई भी अवस्था में ये काम कर सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों आपका एक का नहीं, आपके पूरे परिवार का भला होगा, वो बात पे विश्वास रखें, भरोसा रखें, श्रद्धा रखें। शनि देव प्रसन्न होंगे, राहु केतु देव आपको अचानक देंगे, अधिक देंगे, प्रचुर मात्रा में देंगे, मगर उपाय करके देखें। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, दिल से थैंक यू, खुश रहे, प्रसन्न रहे, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। सर्वदा सर्वत्र महादेवाय नमः। धन्यवाद। वंदे मातरम।